జార్ఖండ్ లో జరిగిన మాబ్ లీచింగ్ ఘటనపై కరీంనగర్ పట్టణంలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉల్మా కౌన్సిల్ అండ్ నేషనల్ ఛానల్స్ డిబ్యూటర్ ముఫ్తీ నదీమ్ ఉద్దీన్ సిద్దిక్ తో న్యూస్ నైన్ ప్రతినిధి ఫయాజ్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ. జార్ఖండ్ లో జరిగిన మాబ్ లీచింగ్ ఘటనపై కరీంనగర్ పట్టణంలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉల్మా కౌన్సిల్ అండ్ నేషనల్ ఛానల్స్ డిబ్యూటర్ ముఫ్తీ నదీమ్ ఉద్దీన్ సిద్దిక్ తో న్యూస్ నైన్ ప్రతినిధి ఫయాజ్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ. मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम झारखंड का एक लड़का जो है तबरेज अंसारी जो शहीद कर दिया गया, हम मॉब लिंचिंग की इन घटनाओं पर मुफ्ती साहब से बात कर रहे हैं. आइए हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं. मुफ्ती साहब, जो ये आए दिन मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर आप क्या कहें? सभी को मेरा आदाब है, सभी को मेरा सलाम है. मॉब लिंचिंग मोदी सरकार 2014 में आई, 2014 से 2019 तक कम से कम 150 से 200 लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हैं. हमारे देश के प्रधानमंत्री जब 2019 में फिर चुन करके आए तो उन्होंने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ख़ुद ये कहते हैं कि वो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं. अगर वो ताकतवर हैं तो मॉब लिंचिंग करने वालों को सजा क्यों नहीं दी जाती? असल में बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही, बीजेपी मुसलमानों को डरा रही है, और मुसलमान और दलितों को डरा करके वो बताना चाह रहे हैं कि हम तुमको डरा रहे हैं. लेकिन मुसलमान और दलित बीजेपी से डरने वाला नहीं, किसी से डरने वाला नहीं है. हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसी ही मॉब लिंचिंग होता रहेगा तो जिस दिन मुसलमानों का गुस्सा और दलितों का गुस्सा फूट पड़ेगा, उस दिन देश का क्या होगा ये सरकार को समझने की जरूरत है. यूनाइटेड नेशन ने भी मजम्मत किया, अब ये देश की कितनी बदनामी हो रही है. आप देश को आर्थिक मजबूत करना चाह रहे हैं, माशी मजबूत करना चाह रहे हैं, मगर यूनाइटेड नेशन आपकी मजम्मत कर रहा. अगर मॉब लिंचिंग होती रहेगी तो कैसे देश का विकास होगा, कैसे इन्वेस्टर भारत के अंदर आएंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है. मगर अमित शाह जिनको सरकार ने तड़ी पार अदालत में तड़ी पार किया था, तो कैसे लिंचिंग होगी? और झारखंड में अभी जो लिंचिंग हुई है, इससे पहले भी एक की लिंचिंग हुई थी. लिंचिंग करने वाले के घर बीजेपी के मिनिस्टर जाकर के उसकी कोई कोशिश करके आए. एक लिंचिंग जिसने किया, जिसने मारा, उसके घर जाकर के झारखंड के एक मिनिस्टर जाकर के मिनिस्टर किया. तो मेरा ये कहना है, देशवासियों से कहना है, हिंदुओं से कहना है कि हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश हो रही है, हिंदू मजहब को बदनाम करने की साजिश हो रही है. जहाँ तक गाय के काटने का सवाल है, कोई भी मुसलमान गाय को नहीं काटता और गाय का एहतराम करता है. बहादुर शाह जफर से बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक 800 साल मुसलमानों का दौर था, मगर हमेशा मुसलमानों ने गाय का एहतराम किया. लेकिन चंद लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और भाजपा के झंडे ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मगर मुसलमान डरने वाला नहीं. और बंद की जो अपील की गई, मैं तमाम दलितों से और हिंदुओं से अपील करता हूँ कि बंद को कामयाब बनाएं. और मोदी सरकार से भी मैं एक डिमांड करता हूँ कि मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त सख्त सजा दी जाए. अब बताइए कैसी शर्मनाक बात है कि गाय को अगर कोई मार दे, गाय को कत्ल कर दे, तो गुजरात के अंदर 12 साल की सजा है, उम्र कैद की सजा है, और एक इंसान को मार दिया जा रहा मगर उसको जमानत मिल जा रही है. तो कितनी बेशरम सरकार है, कितनी बेशरम सरकार हो गई. मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं, मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा है. अल्लाह पर यकीन करिए, हमको डराने वाले चले गए, कितने ऐसे हैं जो डरा करके चले गए. ये सरकार अगर ऐसी रहेगी तो 5 साल के अंदर ये सरकार गिर जाएगी. आवाम सड़कों पर आ जाएंगे तो मुसलमानों को सड़कों पर आने से पहले सरकार अपना रवैया बदले. अब मॉब लिंचिंग को रोके, अगर नहीं रोकेगी तो मुसलमानों का ये जबरदस्त